हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ फैन ब्रश टेक्निक्स। तो यहाँ पर हम फैन ब्रश की टेक्निक्स को समझेंगे, बारीकी से जानेंगे डिटेल में थोड़ा उनके बारे में, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं मैंने देखा है वो फैन ब्रश को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर फैन ब्रश की टेक्निक्स के साथ साथ मैं कुछ स्ट्रोक्स भी आपको बताऊंगी सेपरेटली। और अभी जो है चैनल के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, डिटेल वीडियो लेके आऊंगी आपके पास वीक में एक बार, और उसके अलावा मैं आपको पूरे वीक जो है शॉर्ट्स प्रोवाइड करूंगी। तो जो है यूट्यूब शॉर्ट्स जो वीडियो है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको आने वाले जो वीडियोस है उसमें फैन ब्रश की टेक्निक्स और ज्यादा समझाऊंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब शॉर्ट्स अगर आप नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा। रोज जो टाइमिंग रहेगा वीडियो के आने का वो 11 बजे का रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो की टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं जो ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ उसके अंदर ही मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी, वो दुबई से है, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि वो पेंटिंग की जो टेक्निक्स है वो बारीकी से समझना चाहती है फैन ब्रश के बारे में। हालांकि मैं सारी चीजें कवर कराती हूँ जो ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस लेती हूँ उसमें, और जो स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन करते हैं वो एज अ बिल्कुल बिगनर ज्वाइन करते हैं और फिर वो अपनी स्किल्स को मेरे साथ एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। तो एज अ बिगनर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे तो अभी बैचेस का रजिस्ट्रेशन ओपन है, और मेरे साथ आप अपनी जर्नी को पोर्ट्रेट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं हम लोग साथ में, और बहुत ही अच्छी हमारी कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है। तो अगर आप भी आर्ट लवर हैं, अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट बैच है वो फीमेल्स के रिगार्डिंग एक बैच रेडी हो रहा है, तो अगर आप फीमेल हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो आप लोगों के लिए। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को विजिट करके जरूर जाएगा। चलिए तो इस वीडियो के अंदर जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम करेंगे फैन ब्रश की टेक्निक्स के साथ, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल पेंटिंग मैंने फैन ब्रश की टेक्निक्स को यूज करके ही बनाई है, और अपने स्टूडेंट्स के साथ ही मैंने ये वाली पेंटिंग कम्प्लीट करी है। तो ये कुछ फैन ब्रशेज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये वाले जो फैन ब्रशेज हैं इसके अंदर आपको हार्ड ब्रिसल फैन ब्रश भी मिलेगा और सॉफ्ट ब्रिसल फैन ब्रश भी मिलेगा, और ये वाला फैन ब्रश हार्ड ब्रश जो हार्ड ब्रिसल फैन ब्रश है वो मैंने कट किया था, तो इसलिए वो शॉर्ट दिख रहा है आप लोगों को। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे फैन ब्रशेज की टेक्निक। तो मैं हार्ड ब्रिसल फैन ब्रश भी बताऊंगी आपको, हॉग हेयर वाला, और साथ में मैं सिंथेटिक हेयर वाला फैन ब्रश उसकी भी टेक्निक आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो अगर आप बिगनर हैं फैन ब्रशेस की टेक्निक्स को मेरे साथ समझना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पैलेट में मैंने निकाल लिए हैं कुछ ग्रीन के शेड्स, और साथ में निकाल लिया है लेमन येलो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम सिंथेटिक हेयर फैन ब्रश। सिंथेटिक हेयर फैन ब्रश हमको कैसे यूज करना चाहिए, सबसे पहले उसको आप हल्का सा मॉइस्ट करेंगे वाटर में डिप करके, और फिर आप उससे पेंट पिक करेंगे। तो हल्का सा जो पेंट रहेगा वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा, उसमें पानी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ स्ट्रोक्स लगाना सीखेंगे, और इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आने वाले वीडियोस में मैं इन स्ट्रोक्स को यूज करके डिफरेंट पेंटिंग्स भी आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डैबिंग टेक्निक हम सीख रहे हैं। तो जब आप सिंथेटिक हेयर फैन ब्रश यूज करते हो डैबिंग टेक्निक इस तरह से आपको यूज करनी है जिसमें आप प्रेशर बहुत ही कम लगाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ही वापस हम यहाँ पर पेंट पिक कर लेंगे, और पानी ज़्यादा नहीं लेना है बार बार, एक बार हमने वाटर ऐड कर दिया वो सफिशिएंट होता है। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो फैन ब्रश को, एक तो इस तरह से वर्टिकली और एक इस तरह से हॉरिजॉन्टली। तो अभी हम यहाँ पर इसका जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम वर्टिकली हाथ में पकड़ेंगे, इसके ब्रिसल्स वर्टिकल जो है सरफेस पे टच होंगे, और फिर हम इसको यूज़ करेंगे स्ट्रोक्स बनाने के लिए। तो ये वाले जो स्ट्रोक्स हैं ये बुशेज वगैरह के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस भी हमको होनी चाहिए। फर्स्ट वाले जो स्ट्रोक्स मैंने बताए हैं वो स्ट्रोक्स हम बुशेज और ट्री के फॉलियज के लिए यूज़ करते हैं,
ठीक है, तो सेम फैन ब्रश हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक हेयर फैन ब्रश। नीचे जो है हॉरिजॉन्टल यूज़ कर लेंगे फैन ब्रश को। इस तरह से फिंगर्स क्रिएट हो जाती है फैन ब्रश में, जब आप फैन ब्रश काम में लेते हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए कि चलेगा कैसे फैन ब्रश है। दूसरा फैन ब्रश देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम हॉग हेयर वाला, जो हार्ड ब्रिसल वाला फैन ब्रश होता है वो लेंगे और उससे हम डैबिंग करना यहाँ पे सीखेंगे। 90 डिग्री पर आपको अपना जो ब्रश है उसको होल्ड कर लेना है हाथ में। इस वाले टेक्निक के लिए हमको वाटर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहां पर वाटर यूज नहीं करने हैं और सिंपल डैपिंग करके, सिंपल आप स्ट्रिपलिंग करके सरफेस के ऊपर, इस तरह की टेक्निक यहां पे हम यूज कर रहे हैं। ये टेक्निक हमारे लिए बहुत यूजफुल रहती है जब हम ट्रीज वगैरह बनाते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं डिटेल में ले लेती तो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे स्पाइरल जो है स्ट्रोक्स देखेंगे, जो हम फैन ब्रश से ही यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो है ये भी दोनों डायरेक्शन में हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो एक डायरेक्शन में हमने प्रैक्टिस की, दूसरे डायरेक्शन में भी हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सिंथेटिक हेयर फैन ब्रश से मैं ये वाले स्ट्रोक्स यहाँ पे बना रही हूँ। तो देखिए, जब भी आपको लगता है पेंट कम हो गया है, पेंट पिक करिए ब्रश के अंदर। नेक्स्ट जो स्ट्रोक की प्रैक्टिस है वो है इस तरह से, जो फिलिंग स्ट्रोक्स होते हैं वो भी हम फैन ब्रश से ऐड करते हैं। तो कभी कभी बेस लेयर्स के लिए हम लोग फिलिंग स्ट्रोक्स ऐड करते हैं हमारे बुशेस में, हमारे ट्रीज में। तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको गैप दिख रहा है और इसमें आपको गैप नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से जो है डिफरेंस हम अपना देख सकते हैं। तो इसी फैन ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पर फॉलिंग वाले स्ट्रोक्स ले लेंगे, जो कि विलोइंग ट्रीज में होते हैं, या फिर इसको हम वाटरफॉल में बना सकते हैं, या फिर हम इसमें बालों के कई बार स्ट्रोक्स भी हम इसमें ऐड करते हैं इस तरह से। तो ये वाले स्ट्रोक्स की भी प्रैक्टिस हमको होनी चाहिए। तो सिंथेटिक हेयर से इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस भी आप करिएगा। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रोक्स बताए हैं, इन सभी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अच्छा, एक एक दो दो बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 15-20 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, फिर से वापस वीडियो को देखिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा। तो ये अब हम बात कर रहे हैं, देखिए, ग्रास स्ट्रोक्स की। ग्रास स्ट्रोक्स जो है ऊपर की तरफ हम ब्रश को चलाएंगे, क्योंकि ग्रास ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, तो आपका ब्रश का जो डायरेक्शन रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे हम ब्रश को लेके, और नीचे वाले सरफेस को हम पूरा कवर कर देते हैं सेम कलर से। लाइट ग्रीन कलर यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं, साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है डार्क ग्रीन कलर। तो दोनों ही कलर के यहाँ पे ग्रास स्ट्रोक्स हमने ऐड कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर बन गए हैं ना। फैन ब्रश बहुत वर्सटाइल होता है, बहुत हेल्प करता है हमारी पेंटिंग्स बनाने में, स्पेशली अगर हम लैंडस्केप्स बनाना पसंद करते हैं तो आपको फैन ब्रश बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं फेदर स्ट्रोक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बीच में लाइन बना लेंगे। ये लाइन आप सिंपल राउंड ब्रश से भी बना सकते हो, जो मैंने फैन ब्रश से बनाई बीच की वेल, और फिर आप दोनों तरफ के स्ट्रोक्स यहाँ पर ऐड करोगे। तो इस तरह से हम जो है फेदर स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस होती है ये। तो ये भी हमको दोनों डायरेक्शन में करनी आनी चाहिए। तो आप कोई भी कलर से कर सकते हो, मैंने यहाँ ग्रीन कलर निकाल रखा था पैलेट में तो उससे कर लिया, आप कोई और कलर से भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं एक छोटे छोटे फ्लावर्स आपको बनाना बताती हूँ। यहाँ पे फ्लावर्स के लिए हम जो है वर्टिकल स्ट्रोक्स जैसे हमने लिए थे ना बुशेस के लिए, वैसे ही ले लेंगे और उनको हम यहाँ पे डैप करते हुए लगाएंगे। जब आप डैप करते हुए इन वर्टिकल स्ट्रोक्स को लगाओगे तो आपको फ्लावर का शेप यहाँ पे फॉर्म होगा, उसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे ग्रीन कलर यूज़ करके। तो इन स्ट्रोक्स की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है। ये सभी तरह की टेक्निक्स जो है बहुत ही ज़्यादा काम आती है हमारी पेंटिंग्स में, स्पेशली जब हम लैंडस्केप्स वगैरह बनाते हैं, या फिर हमने कोई और नेचर से रिलेटेड पेंटिंग बनाई बर्ड्स की, एनिमल्स की, तो उसमें भी बैकग्राउंड में काफ़ी लैंडस्केप्स रहते हैं, तो उसके अंदर भी हमको ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। राउंड ब्रश की हेल्प से यहाँ पर हम स्ट्रोक्स लगा लेंगे। तो इसी तरह अगर और भी किसी ब्रश के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगी। तो अब यहाँ पे मैंने बर्न सियाना लिया है और हल्के से वेव करते हुए हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रोक्स जो है हेयर बनाने में बहुत यूज़फुल रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहा ना, आपको समझ में आया होगा।
प्रैक्टिस करिएगा इन स्ट्रोक्स की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करना। केवल दो ब्रशेज आपको चाहिए, एक ये हार्ड हार्ड ब्रिसल वाला और एक सॉफ्ट ब्रिसल वाला सिंथेटिक हेयर ब्रश। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, लाइक कर ही दिया होगा आपने वीडियो को अभी तक। और इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करके आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।